सो हे स्टार्स, फाइनली हम आ चुके हैं टैंक्स अ लॉट के और एक वीडियो में. सो आज हम खेलने वाले हैं डॉन्टर के साथ. तो मे बी ज़्यादातर लोग जान चुके होंगे. ओके, और नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, इनका एक यूट्यूब चैनल है, वो भी टैंक्स अ लॉट के ऊपर ही वीडियोस बनाते हैं. ओके, सो आपको अभी मैं मैच के बीच में कुछ भी नहीं बता. ओके, हमारा पहला किल मिल चुका है. ओके, आपको मैं सारा कुछ थंबनेल में दिखा दूंगा. ओ हे डॉन्टर भाई का कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर किल हो चुका है. ओ भाई, बहुत ही अच्छा यहाँ पर. ओके, ऐसा तो होता रहता है. कोई नहीं, ये लिटरली ये बंदा एक रियल प्लेयर है. मैं बखूबी जान चुका हूँ, ये एक रियल प्लेयर ही है. ओके, कोई नहीं गाइस, हमें हमारा किल. ओके, किल, और यहाँ पर हमारा डबल किल. ओके, यहाँ पर हमारा ट्रिपल किल भी हो चुका है. सो अभी हम ट्राई करेंगे मेगा किल के लिए. सो आई होप हमारा मेगा किल यहाँ पर हो जाएगा. ओके, मेगा. ओ नहीं, इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था मेगा किल के लिए. ओके, ये मे भी हो. ओके, कोई नहीं. सो पहला मैच. ओके, हो गया. ओ भाई, ओके, कोई नहीं, पहला मैच बहुत ही ज़्यादा अच्छा तो नहीं गया, लेकिन ठीक ठाक ही गया. ओ भाई साहब, बहुत ही अच्छा यहाँ पर परफॉर्म करते हुए हमारे हेडॉन्ट भाई, हेड हंटर भाई. ओके, कोई नहीं. सो ओके, ठीक है. सो मैं जानता हूँ अभी मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ इस मैप के लिए. मेरे पास एक बहुत ही अच्छा वेपन है, और वो है, जान ही चुके होंगे, नियोनी. क्योंकि मैं चाहता हूँ टोटली कवर कर लूँ सारे एनिमीज़ को. ओके, सो हम पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं. सो देखते हैं कि ओ क्रायो. ओके, मैं समझ गया, ही विल डेफिनेटली गो फॉर किल स्टीलिंग. यप, मुझे पता ही था कि वो किल स्टीलिंग के ऊपर अभी जाने वाले हैं, क्योंकि क्रायो से सबसे अच्छा और कोई किल स्टील नहीं कर पाएगा. ओके, आई होप इस बार हम थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर पाए हमारे प्लान के हिसाब से. ओ भाई, ओके, ओ भाई साहब, ये क्या हुआ. ओके, कोई नहीं, अभी तो मैच शुरू हुआ है, वो थोड़े फॉर्म में है तो. ओके, कोई नहीं, हमें हमारा पहला किल मिल गया. ओके गाइस, बहुत ही अच्छा हुआ यहाँ पर. अभी हमें ओके दूसरा किल. ओके, ऐसे ही किल करते रहेंगे. तीसरा किल. ओके, मेगा किल. ओ भाई, रह गया. ओके, इसको मारते हैं. ओके गाइस, मेगा किल भी हो गया. सो पहले मैच के हिसाब से तो हम अच्छा चल ही रहे हैं. ओके, कोई नहीं. ओ भाई, हमने ओ भाई साहब, यहाँ पर हमें. ओ भाई, वेयर इज एडर भाई, कहाँ पर चले गए भाई, लगता है. ओके, कोई नहीं, वो जल्दी यहाँ पर आके फिर से. ओके, आ गए. ओके, यहाँ पर हमारा डबल किल, ट्रिपल किल हो गया है, गॉड लाइक भी मिल चुका है हमें, मेगा किल. ओके, पहले मैच के हिसाब से तो हम यहाँ पर बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, और आई होप. ओके, थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाते हैं गाइस, लाइफ थोड़ा सा अच्छा हो जाने दीजिए. ओके ओके गाइस, और सराउंडिंग के साउंड को प्लीज़ अवॉइड कीजिए. ओ भाई साहब, हमारे पास फिर से 10 हो चुके हैं, मे बी. ओके, ओ भाई बच गया. ओके, कोई नहीं, मुझे लगता है इस बार हमारा बहुत ही अच्छा हो चुका है मैच. ओके, डबल किल. ओ भाई, बहुत ही मज़ा आ गया इस मैच में. ओके, मुझे अभी भी थोड़ा सा शक हो रहा है कि ये रियल हेडहंटर है या फिर नहीं. सो इस बार हम गाइस खेलते हैं रेड, क्योंकि रेड में मज़ा आने वाला है. ओ भाई ये चैट क्यों. ओके, हो गया. लेट्स प्ले रेड. ओके,
ओ भाई क्या हुआ क्या है? लेट्स प्ले रेड। मे भी वो जान नहीं पा रहे हैं। ओ भाई ये क्या भाई, रिसोर्सेस ब्रॉल नहीं भाई, रेड खेलना है भाई। वो चैट देख भी रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूं। हेड हंटर मैं भी उन्होंने कुछ लिखा। योर नेम चेंज? हाँ मेरा नेम तो चेंज ही हो चुका है पहले। जो व्यूअर्स नए हैं वो मे भी नहीं जान पाएंगे, लेकिन मेरा पहले का नाम कुछ अलग था, वाइटी नहीं। ओ भाई मेरा पहले का नाम कुछ अलग था, टैंक्सल अड्डा था, और यहाँ पर अभी मेरा नेम स्टारी बॉय हो चुका है। अभी हम मशरूमे का यूज़ करेंगे। और ओके फाइनली वो रेड पर तो चले आए भाई इतने। ओके सो गाइस, आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं तो आप मे भी जानते होंगे कि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स मतलब रेड के ऊपर बना चुका हूँ। और मे भी हेडहंटर भाई ने उस वीडियो को देखा होगा, तो मे भी वो उसी ट्रिक को फॉलो करेंगे, या फिर वो पहले से ही जानते होंगे तो मे भी वो फॉलो कर सकते हैं। सो आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक है पहले मतलब इजी मोड को मतलब नॉर्मल को हैंडल करने का। सो पहले आप मतलब क्लियर द स्टेप्स, आप स्टेप्स वगैरह को जल्दी ही कंप्लीट कर मतलब कर दीजिए। देन गो एंड डिस्ट्रॉय द लेजर कैनन। यप। और थर्ड मतलब जो आखिरी वाला है, देन यूज़ दिस सीक्रेट ट्रिक जो मेरे मेरे वीडियो में बताया है और आप नहीं जानते थे कि वो सीक्रेट ट्रिक क्या है। ओ भाई उन्होंने तो दूसरा ट्रिक स्किप ही कर दिया भाई, लेज़र। ओ भाई ये किया भाई, ये तो भाई बहुत ही, मुझे और एक ट्रिक मिल गया गाइस। आप चाहे तो मतलब लेज़र कैनन को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ओके बहुत ही अच्छा, यहाँ पर बहुत ही अच्छा ट्रिक यूज़ किया। मैंने तो मतलब कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि भाई ऐसा भी कोई कर सकता है। ओके अभी मज़ा आने वाला है। अभी भाई ये ईजी क्यों दिखा रहा है, कोई मे भी कोई बग हो सकता है भाई। ये ईजी क्यों दिखा रहा है, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। ईजी तो हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। ओके मीडियम हो गया। सो अभी मीडियम का भी गाइस एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। इफ़ यू विल यूज़ दिस फॉर्मूला देन यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। सो पहले मैं बता देता हूँ कि मतलब क्या है वो ट्रिक। सो लेट मी टेल यू गाइस कि पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा। पहला मतलब ट्रिक तो सेम ही मतलब सेम ही है, क्लियर दी स्टेप्स। आप सारे कैनन वगैरह को जल्दी ही कंप्लीट कर लीजिए मतलब मार के। देन यूज़ द ऑब्स्टिकल और बॉक्स टू कंफ्यूज द इन्वेंडर। आप जानते होंगे तो मतलब ये सारे ट्रिक्स मेरे माइंड में छप चुके हैं, मैं दिखाता हूँ कैसे आप कर सकते हैं। देखिए वो इन्वेंडर आएगा ज़रूर, और आपको यहाँ पर इस बॉक्स का बखूबी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके वो कंफ्यूज हो गया। ओ भाई कंफ्यूज नहीं हुआ। ओके कोई नहीं, लेकिन उसका एक भी हिट मुझे नहीं लग रहा है। देन ओके सो और इसका एक आखिरी स्टेप था जिसे मैं बोलना भूल ही गया। ओके रुक जाइए थोड़ा। ओके गया। ओके गाइस तो अभी मैं बता देता हूँ। सो जो थर्ड ट्रिक है वो ये है कि इग्नोर क्रायोस एंड सिलेक्ट द मिडिल पॉइंट ऑफ द सेफ जोन। और सेफ जोन क्या है आप तो ये बखूबी जानते हैं। सो ओके आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो गाइस मुझे लगता है कि वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। सो हेडहंटर के साथ हम फिर से ज़रूर खेलने वाले हैं। सो गाइस मिलते हैं बाद में, सी यू। सो गाइस बाद में पता चला कि वो कोई रियल का हेडहंटर या फिर एरिकेस नहीं था, लेकिन वो लिटरली बहुत ही अच्छा खेलता था। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने खुद भी एरी को पूछा था, देखिए भाई क्या बोलूँ आपका।